मयंक अग्रवाल के दमदार दोहरे शतक और मोहम्मद शमी की शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारत ने पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश को एक पारी और 130 रनों से हरा दिया। इसके साथ टीम इंडिया ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। भारत ने मुकाबला तीसरे ही दिन अपने नाम कर लिया। शनिवार को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम 150 रन पर ढेर हो गई। जवाब में भारत ने पहली पारी 6 विकेट पर 493 रन पर घोषित की। भारत के 493 रन के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम दूसरी पारी में 213 रन पर ही सिमट गई और मैच हार गई। इस कड़ी में आइए जानते हैं भारत की शानदार जीत के 5 हीरो कौन रहे। मयंक अग्रवाल। अपना 8वां टेस्ट खेल रहे 28 साल के मयंक ने अपने टेस्ट करियर का दूसरा दोहरा शतक जड़ दिया। मयंक अग्रवाल ने पहली पारी में 330 गेंदों में 28 चौके और 8 छक्के की मदद से 243 रन की शानदार दोहरी शतकीय पारी खेली। ये उनकी टेस्ट करियर का दूसरा दोहरा शतक था। अग्रवाल ने पिछले महीने विशाखापट्टनम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में 215 रन की पारी खेली थी। ये उनके करियर का पहला दोहरा शतक था। मयंक अब अपने करियर में 2 दोहरे शतक के साथ 3 टेस्ट शतक जमा चुके हैं। मयंक अपने दोहरे शतक के साथ ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन से भी आगे निकल गए हैं। मयंक ने 12वीं पारी तक जाते जाते 2 दोहरे शतक लगा लिए हैं, जबकि ब्रैडमैन ने 2 दोहरे शतक के लिए 13 पारियों का इंतजार किया था। मोहम्मद शमी। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की गेंदबाजी में दिनों दिन और निखार आता जा रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में शमी ने दोनों पारियों में कुल मिलाकर 7 विकेट चटकाए। पहली पारी में शमी ने 27 रन देकर 3 विकेट झटके, जबकि दूसरी पारी में उन्होंने 31 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए। मोहम्मद शमी की इस धारदार गेंदबाजी के कायल कमेंटेटर भी हो गए। सुनील गावस्कर ने तो शमी की तुलना तेंदुए से कर डाली। अजिंक्य रहाणे। भारत के स्टार बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे एक बार फिर टीम इंडिया के संकट मोचक बनते जा रहे हैं। पिछले 5 मैचों में उन्होंने टीम को संकट से बाहर निकालने का ही काम किया है। बांग्लादेश के खिलाफ इंदौर में भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी उठाया और जब टीम ने 119 रन पर रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली के रूप में 3 बड़े विकेट गंवा दिए थे, ऐसे में टीम को मुश्किल से बाहर निकालने के लिए वो क्रीज पर आए और मयंक अग्रवाल के साथ मिलकर पारी को 300 रन के पार पहुंचा दिया। इस मैच में रहाणे ने 86 रन बनाए। आपको बता दें कि वेस्टइंडीज दौरे से लेकर अभी तक रहाणे ने 6ठी बार 50 से अधिक का स्कोर किया है। आर अश्विन। मोहम्मद शमी के बाद आर अश्विन ने भारतीय गेंदबाजों का खूब साथ दिया। उन्होंने दोनों पारियों में कुल मिलाकर 5 विकेट झटके। अश्विन ने पहली पारी में 43 रन देकर 2 विकेट जबकि दूसरी पारी में 42 रन देकर 3 विकेट चटकाए। यही नहीं, बांग्लादेश के खिलाफ इंदौर के होलकर स्टेडियम पर आर अश्विन ने अपने टेस्ट करियर का घरेलू मैदान पर 250वां विकेट चटकाया। इसी के साथ वे भारत के लिए सबसे तेज घरेलू जमीन पर 250 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। रविंद्र जडेजा। टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने 76 गेंदों में 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 60 रन की नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली थी। अमर उजाला.com।